से रिक्वेस्ट सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी को मंथन करना है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी को मंथन करना है, वो अपनी जगह पर कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा कमिटी बना दी है और ये उनका प्रेरोगेटिव है कि वो किस तरह से अपनी हार को देखते हैं। थोड़ा ना आप ही उनकी हार क्या भी पोस्टमार्टम करते के लिए बैठ जाइएगा। अंजना जी दलितों की बेइज्जती करेंगे, ऐसा है अंजना जी, अभी मुमताज जी ने, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं अनुराग जी की आवाज को कम करवा दीजिए, मैंने किसी के बीच में डिस्टर्ब नहीं किया है और अंजना जी आप बाहर है, थोड़ा सा मुश्किल होगा इस डिबेट को करने में अन्यथा, कृपया करके, मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता अंजना जी, आई रिक्वेस्ट यू, अंजना जी आपको रिक्वेस्ट करता हूं आप थोड़ा सा ऑर्डर करवा दीजिए डिबेट में, फिर मैं अपनी बात रखता हूं। मैं एक राष्ट्रीय चैनल पर राष्ट्रीय प्रवक्ता मलुक साहब बोल रहे थे, मलुक साहब बोल रहे थे, बोलिए, हां बोलिए, बोलिए, अनुराग जी बोल रहे थे, मलुक साहब नहीं बोल रहे थे, अनुराग बोल रहा था, मैं अपनी बात रख सकता हूं, थैंक यू। अभी देखिए अंजना जी, मुमताज जी जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, उनके पिताजी के साथ मुझे काम करने का अवसर भी मिला था, उन्होंने अभी कहा कि कांग्रेस पार्टी इंट्रोस्पेक्शन कर रही है। कैसा इंट्रोस्पेक्शन है? ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना ये इंट्रोस्पेक्शन है? जम्मू कश्मीर में आपके अलायंस पार्टनर चुनाव जीते तब वो ठीक है, तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन ठीक है, कर्नाटका में ठीक है, पंजाब में ठीक है, दिल्ली में ठीक है, हरियाणा में गलत हो जाता है? ये इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना मतलब परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखना, ये इंट्रोस्पेक्शन है? दूसरी बात, ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं ना, अभी क्या बोला ममता जी ने, बोलते बोलते उन्होंने ये बोला कि केजरीवाल के साथ अगर हम गठबंधन कर देते तो क्या बीजेपी उनको बेल देती? बीजेपी बेल देती है, कोर्ट बेल देती है, कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में भी बेल दी थी, उनको अंतरिम राहत मिली थी, अंतरिम बेल मिली थी ताकि वो कैंपेन कर सके, आपने गठबंधन किया तब भी आप सात में से सात सीट आ रहे। और आपका कहने का मतलब क्या? संजय सिंह का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि हमारा फोन तक नहीं उठाया गया, कल उन्होंने बोला एक चैनल पर। मुमताज जी आप खुद भरूच की सीट जब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दी थी तो आपने कहा था कि मैं और मेरे कार्यकर्ता कैंपेनिंग नहीं करेंगे, ये तो आम आदमी पार्टी के साथ आपका गठजोड़ है, आपका गठबंधन है या आपका तालमेल है, जो खुद आपने भरूच की सीट में स्वयं आपने ये बयान देकर दिखाया, तो हमें क्यों दोष देती है आपका गठबंधन अगर आम आदमी पार्टी से नहीं होता है? तीसरी और आखिरी बात मैं करना चाहता हूं, देखिए यहां पर अनुराग भदौरिया जी बैठे हैं, पांच दिन पहले अनुराग जी का बयान सुनिए। इनके झूठे वादे और कहते हैं ना वादों की बौछार जो लगातार करते रहते थे, ये अब वादों की बौछार पूरी कर नहीं पाते तो सबको समझ में आ गया कि झूठे लोग हैं, और जनता भी हरियाणा की समझ गई है कि इन्होंने इतने झूठे वादे किए थे, वादे पूरे नहीं किए, तो निश्चित है आप चुकी वहां पे इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। अनुराग जी पांच छह दिन पहले इंडी गठबंधन की सरकार हरियाणा में बना रहे थे, आज उन्होंने 10 में से 6 सीटें घोषित कर दी और कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है अजय राय जी का कि 5 सीटों पर हमको लड़ना है, आपने 5 सीटें दी है उनको, 6 सीटों पर तो आपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, पूछे मुमताज जी से कि 4 सीट उनके लिए काफी है? 5 मांगी थी उन्होंने समाजवादी पार्टी से, एक बार मुमताज जी से पूछ लीजिए कि 6 यूनिलैटरली डिक्लेयर किया, पूछा तक है कांग्रेस से? जवाब दे दूं? बताइए अनुराग भदौरिया जी, बताइए। अरे भाई, और ये कांग्रेस पार्टी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हमसे बात नहीं की, उन्होंने लिस्ट निकाल दी। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन की बड़ी चिंता रहती है क्योंकि वो 10 में से 10 चुनाव हार रहे उत्तर प्रदेश के अंदर में, क्योंकि वो अपनी बात नहीं कर पा रहे कि अपना दल को कितनी सीटें देंगे, उनके सहयोगी पार्टी है राजभर जी को कितनी सीटें देंगे, निषाद जी को कितनी सीटें देंगे, उनसे बात ही नहीं कर पा रहे, निषाद जी भी सीट मांग रहे हैं, अपना दल भी मांग रहा है, उसकी बात ना हो जाए इसलिए इंडिया गठबंधन की चिंता कर रहे हैं। अरे आप अपनी चिंता करो ना कि आप कितनी सीटें दोगे उनको 10 में से। अरे हम तो तय कर रहे हैं कि हमने तो 6 डिक्लेयर किए हैं, अभी मेरी बात हो जाएगी हम लोगों की, उसके बाद यहाँ पर चक्कर क्या है ना कि जब भी आदमी अपने बुरे दौर से गुजरता है तभी उसके दोस्तों की पहचान हो। हरियाणा के नतीजे के बाद आप लोग भी सुन रहे होंगे, अभी आकर टीवी पर चाहे अनुराग भदौरिया जी जो भी स्पिन देने की कोशिश करें कि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं इसलिए हम ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन जब कोई दोस्त हारा होता है तो आदमी कंधे पर हाथ रखता, बोलता है चल यार ठीक है, कभी हार जीत लगी रहती है, आगे अच्छा होगा। लेकिन ये सारे खरी खोटी सुना रहे हैं, महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र के चुनाव की वजह से आम ट्विस्टिंग कर रहे हैं, यूपी वाले यूपी के उपचुनाव की वजह से। सच आपको समझना है, और ऐसे में क्या इस तरह से पिछलग्गू बनके हर पार्टी का, क्योंकि आप खुद ही देखिए ना, हम आपको नंबर से बताते हैं, मैं इधर उधर की बात नहीं करती हूँ, जहां जहां लोकसभा 2024 के चुनाव में आपकी डायरेक्ट फाइट थी, आपकी जो स्ट्राइक रेट थे वो 30 से 40% के बीच में थी, जहां पर आप किसी और के साथ चुनावी मैदान में गठबंधन में थे वहां पे आपकी स्ट्राइक रेट बढ़ जाती है। इसी के साथ अगर आप पूरा जो इस बार का सिर्फ 22,000 23,000-24,000 वोट अगर ज्यादा आपके होते तो आप लोग बहुमत पा सकते थे हरियाणा में। ये बताता है कि आप लोग क्या, भूपिंदर हुड्डा, कुमारी शैलजा के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, एक नेता ने आप ही के अपशब्द बोला था उनकी जाति को लेकर,
उसके बाद उन्होंने खुलकर अपने सीएम की महत्वाकांक्षाएं को जाहिर किया। एक दलित महिला को मौका क्यों नहीं मिल सकता? क्यों क्यों एक एक ही चेहरा, एक ही परिवार को आप लोग पुश करते रहे? मैं बोल सकती हूँ मुमताज जी? हेलो जी। जी तो जो आपने आखिरी वाला पॉइंट बोला, तो ये आपने देखा होगा हुड्डा जी ने भी साफ साफ बोला कि ये आखिर में डिसाइड होगा कि सीएम फेस कौन रहेंगे। पहली बात ये। शहजाद जी ने जो बात करी आम आदमी पार्टी की या बाकी जो गठबंधन की, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस रहता है। मैंने तब भी बोला था कि भाजपा को सूट करता था कि केजरीवाल जी को बेल मिले। जी बिल्कुल, कोर्ट देती है, पर कोर्ट ही ने परोल भी दिया गुरमीत राम रहीम जी को सही वक्त पे, बिल्कुल, ताकि वो बाहर निकले और आके बोले कि भाजपा को वोट दे, सूटेड देम फाइन। लोकसभा चुनाव के वक्त भी सही वक्त पे केजरीवाल जी को बेल दिया गया था कि आके वो प्रचार कर सके। तो ये तो पॉलिटिक्स है जो मैं कहती हूँ। रही बात, आपने कहा कि इंटरनल फाइटिंग है, जी इंट्रोस्पेक्शन फिर से हो रहा है और मैं बिल्कुल यकीन रखती हूँ कि राहुल जी जिस तरीके से सोच रहे हैं तो इसका हल बहुत ही जल्द निकालेंगे। मैं आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना चाहती हूँ। इट इज डेफिनेटली टाइम टू फिगर आउट कि यहाँ क्या गलती हुई है, पर मैं बिल्कुल इसमें मानती हूँ कि कहीं ना कहीं भाजपा का यहाँ पे हाथ रहा है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी, पोल पोजीशन में थी इस इलेक्शन को जीतने के लिए। कहीं ना कहीं ये जाट और नॉन जाट में पोलराइज किया गया है और ऑब्वियसली कन्वीनियंस के लिए अलायंसेस नहीं होने दी गई थी। इसमें मैं कहूंगी कि बीजेपी का ही कोई ना कोई रोल रहा होगा। मैं फिर से कहूंगी, एज अ व्यूअर कहूंगी कि बीजेपी का रोल रहा होगा। अंजना जी, ऐसा आप कह रही हैं कि बीजेपी का रोल रहा होगा? देखिए, आप एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठी हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है। हर बात एक निष्कर्ष तक पहुंचनी चाहिए, सिर्फ आरोपों के भंवर में उलझाकर मामला नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में नतीजों का। लेकिन मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाह रही हूँ मुमताज जी। आपके पिता एक बहुत बड़े राजनीतिक शिल्पकार थे कांग्रेस पार्टी के लिए, वो जिस तरह की रणनीति बनाते थे, बहुत शार्प पॉलिटिकल माइंड थे। आपने यूपीए का भी दौर देखा है और आप ये दौर भी देख रहे हैं जहां पर 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक से खड़ा हो पाना मुश्किल हो रहा है। हिमाचल की जीत मिलने, आप सोचिए कि 2019 के पहले 3-4 राज्यों में जीत मिली थी जिसमें राजस्थान भी एक था, लेकिन उसके बाद से लगातार 4 साल तक कहीं पर स्टेट में भी नहीं आ पाई कांग्रेस पार्टी। फिर एक जीत मिली किसी तरह से हिमाचल की, बिल्कुल एमपी भी था, उसके बाद हिमाचल में किसी तरह से एक बार आई 4 साल के सूखे के बाद, फिर अब कर्नाटक और तेलंगाना में, पूरे नॉर्थ इंडिया में सिर्फ एक हिमाचल प्रदेश है। जो उस वक्त का दौर यूपीए का था और जो आज का दौर है, उसमें कांग्रेस पार्टी उसके काम करने के तरीके में कुछ तो आपको कमी दिखाई देती होगी जिसकी वजह से यह हालत, अगर आप ईमानदारी से बताना चाहें। यूपीए का दौर बेशक बिल्कुल अलग था और बहुत सक्सेसफुली 2 टर्म यूपीए ने कंप्लीट किए थे, पर ये जो अलायंस धर्मा है तब जो फॉलो होता था, उम्मीद रखते हैं कि आगे जाके भी फॉलो होगा। वो भी एक अलायंस की ही सरकार थी और सही तरीके से चली थी। पर और अब जो इंडिया अलायंस के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना और बात सही है कि भाजपा जहां जहां सूट नहीं करता है वो या तो दलों को तोड़ देती है, तो ये नॉन डेमोक्रेटिक तरीकों से ही ये सरकार तोड़ जोड़ के आगे सरकारें बनाती जा रही हैं। इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि कांग्रेस को सोचने की जरूरत नहीं। जी बिल्कुल, जहां जहां गलतियां हो रही हैं वहां पे उसके बारे में सोचा जाएगा, पर कहीं ना कहीं फिर से मैं कहूंगी कि ये बीजेपी की ही रणनीति है। और मुश्किल होता है जब हमने बात करी अभी कि इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज होते हैं, आपने कहा मीडिया के बारे में, मीडिया भी एक तरफा अब थोड़ा नहीं दिखाती, बट मीडिया भी एक तरफा दिखाती है, तो पब्लिक परसेप्शन भी चेंज होता है। दो दो लाइन का कमेंट जल्दी से अब लेते हैं, ठीक है मुमताज जी? अब मलुक साहब जल्दी से, आपने उनकी बात सीखी और ये ऊपर नीचे होता रहता है। मलुक साहब बोलो, उसके बता रही हूँ मलुक जी। मुमताज जी के पिताजी देश की राजनीति को इधर उधर करते थे, मैं भी विधायक रहते हुए राजेश पायलट जी के उनके साथ काम किया, तो ये एडमिट कर रही है कि देश में कानून और जुडिशियरी का कोई नाम नहीं है और जुडिशियरी वो करती है जो बीजेपी चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न कांग्रेस की तरफ से आ रहा है। दूसरा ये कह रहे हैं कि बार बार घुमा गए कि कांग्रेस के अंदर बीजेपी की चल रही है और बीजेपी जो चाहती है कांग्रेस में वो कराती है, तो ये कहना क्या चाहते हैं कांग्रेस वाले
कि कांग्रेस बिल्कुल धरातल पर पहुंच गई है, बिल्कुल खत्म होने की तरफ पहुंच गई है और देश में संविधान के नाते कोई कानून रह नहीं गया है। क्या कहना चाहते हैं, असली बात पे जाओ। बिल्कुल मलुक साहब, और देखिए जब जब लोकतंत्र में जनता आपको जीत ना दे तब क्या आप एजेंसियों पर जो संस्थाएं इस देश के हैं उनको ढाल बनाकर उसके पीछे कब तक छिपते रहेंगे ये भी सोचना पड़ेगा। जल्दी से शहजाद जी दो लाइन में बात पूरी कीजिए। देखिए अभी मुमताज जी ने एक बहुत बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि जब बीजेपी को सूट करता है तब उनको बेल मिल जाती है और वो बाहर आ जाते हैं, तो इनका आरोप यह है कि असलियत में तो केजरीवाल पर इतने गंभीर आरोप है कि उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। तो अगर यही स्टैंड है तो लोकसभा में आपने क्यों अलायंस किया उनके साथ? और मुझे बताइए, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, उत्तराखंड, यहां पर तो आम आदमी पार्टी नहीं थी, फिर भी आप कांग्रेस पार्टी बीजेपी के सामने हारी ना। और मैं पूछना चाहता हूं कि आपके यहां पर जो लगातार झगड़ा चलता है हुड्डा वर्सेस शैलजा, या कर्नाटका में डीके शिवकुमार वर्सेस सिद्धरमैया, या राजस्थान में गहलोत वर्सेस पायलट, या आप देख लीजिए महाराष्ट्र में नाना पटोले वर्सेस थोरात, तो इनमें से भी किसी को बीजेपी ने फिट कर रखा है कि ये लोग अपने आप लड़ते हैं? अगर लड़ते रहते हैं अपने आप से तो ये आपकी कमजोरी है, केवल बीजेपी का नाम इसमें घसीट कर लाना। मुझे लगता है कम से कम आपने एक बात स्वीकारा कि अरविंद केजरीवाल पूर्ण तरीके से भ्रष्ट है, उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात। इजाजत देता है।